हेलो फ्रेंड्स, वेलकम एंड थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो। आज हम एक सुंदर सा हैंगिंग बनाने वाले हैं जिसे आप घर के अंदर या बालकनी में लगाएंगे, बहुत ही सुंदर लगता है। और इसे बनाने के लिए हम यूज़ करने वाले हैं पुरानी DVDs और एक बास्केट, जो पुरानी भी हो सकती है और नई भी हो सकती है। अब सबसे पहले हम इसमें प्राइमर लगा देते हैं क्योंकि हम इसे पेंट करने वाले हैं, और बिना प्राइमर के पेंट करेंगे तो उभर के नहीं दिखता है, दो हाथ करना पड़ते हैं। अलग अलग कलर से हम इसको पेंट करेंगे, अंदर से भी करेंगे और फिर बाहर से भी सेम वही कलर यूज़ करेंगे। देखिए, दोनों साइड से पेंट हो चुका है। अब हम लेंगे ऊन, वूल भी हम अलग अलग कलर के ले लेते हैं, और जो कलर हमने बास्केट पे किया है, जैसे ग्रीन किया है तो ग्रीन के ऊपर ग्रीन वूल लगा देंगे, और रेड के ऊपर रेड ऊन लगाएंगे, और ऑरेंज के ऊपर ऑरेंज। इस तरह से पूरा बास्केट कवर कर देंगे बाहर के साइड से। अब हमने ये DVDs ली हैं जिनका आपको यूज़ नहीं होता है, इसको भी हम फेविकॉल लगा के वूल से कवर करने वाले हैं। मुझे ये DVDs किसी से मांगनी पड़ी थी क्योंकि मेरे पास की सब इसी तरह के डेकोरेटिव आइटम्स बनाने में यूज़ हो चुकी थी। ये देखिए, ऊन को इस तरह से तिरछे में हमें CD के ऊपर लपेटते जाना है। देखिए, ये पूरी कंप्लीट हो गई है। इसी तरह हम इसको डबल कलर में भी कर सकते हैं, और अलग अलग कलर की हमने CD पूरी रेडी करके रख ली है। अब सभी CD के बीच में हम ये स्टोन को लगा देंगे और इसको दोनों साइड में लगाएंगे। पुरानी CDs को कई तरीके से यूज़ कर सकते हैं, उसमें से एक इजी तरीका मैं आपको यहाँ बता रही हूँ। इनको पीसेस में कट करके भी डेकोरेटिव आइटम बनाए जा सकते हैं। ये काम हो जाने के बाद अब हमें बास्केट को टांगने के लिए भी कुछ इंतज़ाम करना है। उसके लिए हम ये ऊन के टुकड़े लेंगे, उसमें फेविकॉल लगाएंगे और इसको ऐसे रोल कर देंगे और सूखने के लिए रख देंगे। अब हम बनाएंगे पॉम पॉम और लटकन। इसके लिए हमें ऊन को अपने उंगलियों पर इस तरह से रोल करना है, और लटकन के लिए हम लोग ऊपर से गठान लगाएंगे। इस तरह से ऊपर के साइड से गठान लगा देते हैं और फिर उसको नीचे के साइड से हमें कैंची से इसको पूरा काट देना है। कट करने के बाद नीचे से अच्छे से और काट के इसको शेप दे दें। पॉम पॉम भी हम सेम उसी तरह से बनाएंगे, बस इसको हमें बीच में से बांधना रहता है और दोनों साइड से कट करना है। ये देखिए, इस तरह से काट देंगे दोनों साइड से और ये हमारे पॉम पॉम रेडी। पॉम पॉम बनाना पहले के वीडियो में बता चुके हैं। दिवाली डेकोरेशन के लिए जो वॉल हैंगिंग्स बनाए थे उसमें हमने पॉम पॉम कैसे बनाना है वो अच्छे से दिखाया था, आप चाहें तो वीडियो भी देख सकते हैं। अब हमें इन सबको बास्केट के साथ अटैच करना है, जोड़ना है, तो इसके लिए हमें ये ऊन को सुई में डालना होगा। तो ये इस तरह से तो जाएगा नहीं, तो इसके दो आइडिया हैं। एक तो पहले उसके छोर में हम फेविकॉल लगा लेते हैं तो ये आसानी से चला जाता है, या फिर हम सेलो टेप भी लगा सकते हैं, उससे भी ये सुई के अंदर आसानी से चला जाता है। अब हम इन सब CD को एक के बाद एक ऐसे मोती डाल के उसके बाद हम ये बास्केट से अटैच करते जाएंगे। और अगर फ्रेंड्स आपको इतना बड़ा नहीं बनाना है तो आप एक छोटी बास्केट ले सकते हैं और उसमें आप CD की जगह चूड़ी से ये सब काम कर सकते हैं। वो भी मैंने बनाया था, बहुत ही सुंदर लगता है। अब हम ये दो DVD के बीच में जो गैप है उसमें हम इसे लगाएंगे। आपके बालकनी में या रूम में कितना स्पेस है उस हिसाब से बनाइएगा, और सराउंडिंग के हिसाब से कलर भी चूज़ कर सकते हैं आप। पूरा एक ही कलर में भी बना सकते हैं हम इसको। एक मैंने वाइट कलर का बनाया था, फुली वाइट, वो भी बहुत ही प्यारा लग रहा था। एक मैंने ये बड़ा सा बना लिया है, इसको मैं बास्केट के बीचों बीच में लगाऊंगी। ये देखिए, यहाँ पर अब ये जो हमने ऊन के टुकड़ों को रोल किया था वो सूख चुका है, उसे ऊपर के साइड में लगा देते हैं ये टांगने के लिए। अब ये पूरी तरह से रेडी हो चुका है। अब इसमें डेकोरेशन का काम आप जितना चाहे उतना कर सकते हैं। ये देखिए, मैं आपको ऐसे लगा के दिखा देती हूँ
इस तरह से आप कितना भी चाहे डेकोरेट कर सकते हैं। पर जिन्होंने मुझे ये ऑर्डर दिया था बनाने का, उनको एकदम प्लेन ही पसंद था, तो फिर मैंने इसको डेकोरेट नहीं किया है। इस तरह से कोई भी अच्छी सी लेस लगा सकते हैं, मिरर से डेकोरेट करिए, स्टोन्स लगाइए, अपनी पसंद से आप उसको कितना भी डेकोरेट करिए।